नमस्कार दोस्तों, शाम के अभी 7:30 बज रहे हैं और रूबी जी का मन हुआ कि चलो घूम के आते हैं। और मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। आज का टॉपिक है कि अगर मान लो आप ग्रेटर नोएडा रहते हो या आप आ जाते हो रहने के लिए, तो शाम को आपको खाने को क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, कहते ग्रेटर नोएडा में आप प्लॉट तो ले लो, इंडस्ट्री ले लो, फ्लैट ले लो, फ्लैट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4,000 रुपया स्क्वायर फुट। अच्छा, मिशिगन वाला तो 2500 में बेच रहा है। इंडस्ट्री मिल जाएगी आपको 13,000 रुपया मीटर ग्रेटर नोएडा में। पर आपको यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलेगा, खाने का यहाँ पंगा है। दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाने का बड़ा वादा है यहाँ पे। जैसे मान लो कि मन होता है कि कुछ, जैसे हम दिल्ली रहते थे 15-20 साल दिल्ली में रहे हैं, तो दिल्ली में ये ऑप्शन आपके लिए खुली होती है, कुछ भी खाना है कुछ भी मन है खा लो। यहाँ पे वो सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल हैं उनका एक ट्रेंड है कि घर का ही खाना है, शुद्ध खाना है, मोटा खाओ मोटा पहनो। बाहर का उनकी नियमावली में कोई है ही नहीं कि बाहर खाना खाना है आपको। रूबी जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए पहली बात तो यहाँ पे खाना की जगह जगह पे बहुत ज्यादा इंस्टॉल है ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो गारंटी नहीं है कि वो आपको फ्रेश मिले। क्वालिटी अच्छी हो, तेल अच्छा हो, चीजें मिल भी जाएंगी अगर मान लो 2-4 जगह, तो जरूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी या टेस्ट आपके अकॉर्डिंग हो या हेल्थ को ध्यान में रखी हो। तो ये शाम के नजारे हैं जो आप देख रहे हैं। खाने को कुछ नहीं है, वैसे सब फ्री है, खुला डुला स्पेशियस, घूमो फिरो। पर शाम का ये पीछे का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, पर मैं घर पे 10 रुपए की बना के खा लूं। खुशियां मना रहा हूँ, प्यारी सी बीवी मिली है, खाना खिला रहा हूँ। देखिए मंदिर, पीछे मंदिर के बाहर और एक छोटी सी मार्केट, कोरोना के बाद भिखारी भी काफी कम हो गए हैं। और अब हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। ये देख रहे हैं जी, यहाँ शाम का माहौल, सब लोग खा पी के खाना हजम करने ही आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। रूबी जी भी आ गई हैं। हाँ जी, क्या माहौल है जी? हाँ अभी है, डर है, मंदिर में भी भीड़ नहीं है। चलिए आप आइए दर्शन करिए, मंदिर भी खाली है जी। अभी थोड़ा सा माहौल कूल हुआ नहीं है, नए पोस्टर लग गया मंदिर में, है ना जी? सब जगह शांति है जी। शांति की खोज में रहना तो कोई दिक्कत रही नहीं है जी। ग्रेटर नोएडा में तो यहाँ के बैगर भी बड़े डिसिप्लिन्ड है, कोई मारा मारी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, सारा काम यहाँ बड़े कूल तरीके से किया जाता है। केले बट रहे हैं जी भिखारियों के बीच, बड़े प्यार से, बड़े कूल तरीके से। पैसा बहुत है शहर के अंदर, ये तो मुआवजे का, बाकी इंडस्ट्री आ रही है,
सरकारें भी सारा पैसा यही इन्वेस्ट कर रही है, तो ग्रेटर नोएडा में पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर वैसे बंदे की खुदाई करें तो दिल्ली से ज़्यादा अमीर लोग हैं यहाँ पर हैं सारे शांत। ये रात के दृश्य हैं, जैसे मैं कहता हूँ कहीं भी जाना हो तो 3 बार ज़रूर जाके देखो। कुछ लोग कह रहे थे P3 के रात का माहौल दिखाओ, तो ये रात का माहौल है P3 का, बहुत ही कूल माहौल। शांत मंदिर, रूप जी दर्शन कर रही हैं प्रभु के। हाँ जी रूबी जी, कैसा माहौल है? कैसा माहौल है मंदिर में जी? भीड़ है? भीड़ नहीं, शांति है। आके आ जाओ। हाँ जी बस यही रुक जाओ। पंडित जी राम राम। क्या बात है सर, आजकल लोग आ नहीं रहे डर के मारे कोरोना के। पहले जैसी भीड़ नहीं है जी, पहले जैसी भीड़ नहीं, सुबह आते हैं। अच्छा, और जी प्रसाद ले लिया जी? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो पूछते हैं? नाइट लाइफ का क्या सीन है? नाइट लाइफ थोड़ी कम है, है ही नहीं है। हाँ है ही नहीं है, फीमेल्स तो बिल्कुल ही घर बैठे। हाँ, उनके लिए बॉडीगार्ड चाहिए एक। जी चलिए जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशिभूषण गर्ग, हम आपको एक और मार्केट में लेके आए हैं जिसे ग्रीन मार्केट कहते हैं। रूबी जी आपका स्वागत, क्या विचार है ग्रीन मार्केट के बारे में? देखिए ग्रीन मार्केट में तो थोड़ी बहुत रौनक है। हाँ। बट खाने के क्या हालत है? नॉन वेज ज्यादा मिलता है, वेज तो आजकल बिल्कुल रेड पिट गई है। और यहाँ क्वालिटी जो वेज है जो मिलता भी है बेकार, वेज अच्छा नहीं है। नहीं। ये देखिए कि यहाँ पे मछली मिलती है जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं, डेली वैन आती है। ये ग्रीन मार्केट है, ओमेगा 1 बिल्डर स्ट्रीट एरिया है और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। चलिए इस मार्केट का मुआयना करते हैं। एक तो इस मार्केट में पुलिस चौकी बनी हुई है, तो वैसे सुरक्षा चाक चौकंद है, यहाँ कोई भी आओ यहाँ दिक्कत नहीं रहती, पुलिस वाले ड्यूटी पे रहते हैं हमेशा। यूपी पुलिस विद यू फॉर यू। और यहाँ अंदर आपको मोहम्मद के काउंटर मिल जाएंगे। ये रूबी जी कह रहे थे कि नॉन वेज की मार्केट है, सचमुच ही नॉन वेज की मार्केट है। अंडे, आमलेट, कीमा, वेज नहीं है यहाँ। किस चीज़ का कीमा भाई साहब? किस चीज़ का कीमा? चिकन का। क्या रेट प्लेट है? 60 रुपए की प्लेट। इसके साथ लगा के देते रोटी में? पेटीएम भी कर सकते हो जैसा मानो। तो ये हम ग्रीन मार्केट लेके आए हैं, ज़्यादातर यहाँ नॉन वेज मिलेगा सामान, काठी रोल है। बस यहाँ पे एक ही फेमस है, यहाँ पे मोहम्मद फेमस है एक, निर्मला आंटी के, वो जरूर ट्राई करें, उसकी हम रिकमेंडेशन करते हैं आपको, वहाँ पे आपको पूरी भीड़ मिलेगी। चलिए, और एक बिहार का खाना लिट्टी भी मिलता है यहाँ पे। बाकी सब यहाँ पे ऐसा ही है, पूरे मार्केट का एक चक्कर लगा देते हैं। अभी यहाँ पे नए नए काउंटर ऐड हुए हैं। एक ग्रीन मार्केट में खाने पीने का एक नया आया, रॉयल फूड आया यहाँ पे, फूड ट्रक छोटा सा। पीछे हॉस्पिटल है यथार्थ वेलनेस, और इधर जूस की दुकान है। वहाँ पर यहाँ पार्किंग के लेके थोड़ा मिसमैनेजमेंट है, यहाँ पे जो बंदा आता है
यहाँ तो बस चले, बंदा कहे कि बाथरूम करने जाना, बाथरूम के अंदर ही गाड़ी लेके जाऊंगा, वहीं शू करूंगा। तो ये है यहाँ पे थोड़ी सी पीछे यमुना थोटी का ऑफिस है, हॉस्पिटल होने के कारण मेडिकल की काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। तो ये रात का माहौल है, नाइट लाइफ, इक्का दुक्का लोग मार्केट में, पर ये मार्केट चलती है ग्रीन मार्केट। यहाँ पे बिजनेस करना तो काउंटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दुकान के किराए तो लाख रुपए से ऊपर है दुकान के किराए यहाँ पे। और यहाँ भिखारियों का टोला भी है, जो कि हमेशा यहाँ टाइट रहता माहौल। बीकानेर स्वीट है, इसका परौंठा ट्राई कर सकते हो, 30 रुपये का एक देते हैं ये, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, और यहाँ आगे शराब का ठेका है, तो उसके लिए पकौड़े और ये जूस की व्यवस्था है। तो ये एक मार्केट का ओवरऑल व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्रीन मार्केट है, रात का 9 बज रहे हैं इस वक्त, तो ये 10:30 बजे तक खुली रहती है, 10:30 बजे बंद हो जाती है। पहले इस मार्केट में ठेका था, तो हॉस्पिटल ने ऑब्जेक्शन किया, ठेका भी थोड़ा सा चला गया 500 मीटर आगे। यहाँ पे नाइजीरियन भी रहते हैं काफ़ी सारे आसपास, नाइजीरियन भी आते हैं सामान लेने के लिए। बाकी यहाँ पे फूड काउंटर्स हैं काफ़ी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डोसा मिल जाता है आपको खाने को, सोया चाप आजकल चल रही है, हिंदू लोग आजकल जो है नॉन वेज की जगह सोया चाप काफ़ी खाते हैं। यहाँ पे चाय भी एक फेमस है, राम प्यारी चाय। तो ये यहाँ का एक नाइट व्यू है, नाइट लाइफ है ग्रेटर नोएडा की, जो आप देख रहे हैं। अरे एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ, जैसे मान लो मैं घूमता रहता हूँ, सबके चेहरे पे एक स्माइलिंग रहती है, खुश रहते हैं। अगर यहाँ का खुशी का इंडेक्स देखें तो माइनस में चला जाएगा। पता नहीं यहाँ के लोग हर वक्त कुछ सोचते ही रहते हैं, पता नहीं किस, जैसे लगता है ना शेक्सपियर को वो मिला था कहानियाँ लिखने के लिए पुरस्कार, क्योंकि ऐसा शो होता है बहुत ही इंटेक्चुअल लोग हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो वो एक पंगा है। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नाइट लाइफ ग्रेटर नोएडा की, आपके कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर लिखिए। रूबी जी भी कुछ ट्राई कर रही हैं। हाँ जी रूबी जी, क्या ट्राई हो रहा है जी? लिट्टी ट्राई कर रहे हैं जी। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।